नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोनी वर्टेक्स पर कोचिंग क्लासेस से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज का ये पहला वीडियो। जो भी दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलें, आपकी कमेंट्स ही मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज का ये पहला वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हम। स्वतंत्रता के पश्चात जो मध्य प्रदेश का स्वरूप था वो तीन हिस्सों में डिवाइड था, भाग ए, भाग बी एंड भाग सी। भाग ए जो बघेलगढ़ वाला क्षेत्र था उसको भाग ए में रखा गया था, पश्चिम की रियासतों को मिलाकर भाग बी बनाया गया था एंड उत्तर की रियासतों को मिलाकर भाग सी बनाया गया था। भाग ए की उस समय राजधानी हुआ करती थी नागपुर, भाग बी की राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर एवं इंदौर, भाग सी की राजधानी हुआ करती थी रीवा। अब इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसने 1953 में इसका गठन हुआ, वर्ष 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन होने के बाद एमपी में कुल 79 रियासतें बची थी। 79 रियासतें थी जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई, भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग हुआ करते थे, 8 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। 43 जिले के बाद 26 जनवरी 1972 को निर्णय लिया गया कि दो नए जिले और बनना चाहिए, तो दो नए जिले के रूप में भोपाल और राजनांदगांव दोनों का निर्माण हुआ। इसके बाद वर्ष 1983 में वीपी दुबे समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम उन्हीं के नाम पर वीपी दुबे समिति रखा गया। 1983 में इसने 10 नए जिले बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1992 में दिग्विजय सरकार ने 10 नए जिले और मध्य प्रदेश में जोड़ दिए। कुल कितने हो गए, 43, 2, 45 और 10, 55 जिले अभी मध्य प्रदेश बन चुके हैं। वर्ष 1998 में पुनः सी देव समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट के आधार पर 6 नए जिले बनाए। कितने जिले बनाए गए, 6। अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई 61, 55 इधर, 55 और 6, 61 जिले बन गए। 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य से अलग हो गया और 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। अब पुनः मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में पुनः 45 जिले शेष रह गए। इसके बाद वर्ष 2003 में 3 नए जिले और जुड़े गए। गुना से अलग होकर अशोकनगर, खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिला बनाया गया। वर्ष 2008 में झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर को बनाया गया तथा 2008 में ही सिंगरौली जिले का निर्माण हुआ। 2008 को शहडोल संभाग तथा वर्ष 2013 में नर्मदापुरम संभाग का गठन हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हुए। इसके बाद वर्ष 2013 में पुनः एक नए जिले का गठन हुआ जिसका नाम आगरमालवा हुआ। ये साजापुर तहसील से अलग होकर, साजापुर जिले से अलग होकर बनाया गया 16 अगस्त 2013। इस तरह मध्य प्रदेश में 51 जिले हुए तथा 10 संभाग हुए। वर्ष 2018 में मांग उठी कि निवाड़ी जिला अलग होना चाहिए तो 52 जिले के रूप में निवाड़ी को जिला बनाया गया जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना। इस निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर, ओरछा और स्वयं निवाड़ी तहसील है। 3 तहसीलों को बनाकर एक निवाड़ी जिला बनाया गया। इस तरह मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग हुए। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो।